नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के अभिषेक को राशि के अनुसार कैसे करें जिससे महादेव हो प्रसन्न। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को है। महाशिवरात्रि का पर्व हमारे धार्मिक और सामाजिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। तो चलिए जानें भगवान शिव के अभिषेक को राशि के अनुसार कैसे करें। पहली राशि मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए और मेष राशि वालों को भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल और गाय के दूध से करना चाहिए। इससे मेष राशि वालों को कैरियर में फायदा मिलता है। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए भगवान शिव इन व्यक्तियों पर विशेष आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही मंगल ग्रह भगवान शिव का अंश भी माना जाता है, इसलिए मेष राशि वालों को भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए शहद, चीनी और मीठे चावल की खीर या मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। मेष राशि वालों के सब रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। अब बात वृषभ राशि के उपाय की। वृषभ राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष दूर करने के लिए महाशिवरात्रि पर दही और घी से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही और घी से अभिषेक और पूजा करने से वृषभ राशि वालों के धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने में मदद मिलती है। अब बात मिथुन राशि के उपाय की। तो मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और इस राशि के जातक को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेल पत्र और लाल रंग के फूल चढ़ाना चाहिए। यह मिथुन राशि के जीवन में चमत्कार करने में मदद करता है। मिथुन राशि के जातकों को भगवान शिव का अभिषेक सेहत से करना चाहिए। इससे जीवन में शीघ्र सफलता पाने में उन्हें मदद मिलती है और इसके साथ ही गाय को हरी घास खिलाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, मिथुन राशि वालों पर कृपा बरसती है। अब बात कर्क राशि के उपाय की। तो महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करना चाहिए। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा ग्रह है और चंद्रमा भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए सफेद रंग की वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करनी चाहिए जिससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं। अब बात सिंह राशि के। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शहद से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे बहुत लाभ मिलता है। गुड़ का भोग लगाना चाहिए जिससे महादेव प्रसन्न होते हैं और सिंह राशि के समस्त रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं और उन्हें विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात कन्या राशि के उपाय की। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। जीवन में सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए कन्या राशि के जातकों को शिव को बेलपत्र अर्पित करना चाहिए और शहद से अभिषेक करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा आशीर्वाद कन्या राशि के जातकों पर बनी रहती है और विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों का को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का अभिषेक गन्ने के रस या गाय के घी से करना चाहिए। इससे अभिषेक करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं। अब बात हम करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। महाशिवरात्रि पर महादेव को गाय के दूध से या दही से वृश्चिक राशि वाले अभिषेक करें। इससे उनके नौकरी और व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगी और उनके समस्त रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होंगे। वृश्चिक राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को मदार के पुष्प को अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और उनके समस्त रुके हुए कार्य अवश्य पूर्ण होते हैं। अब बात करेंगे धनु राशि के लिए उपाय की। तो आपको बता दें धनु राशि का स्वामी गुरु है। उन्हें मुख्य रूप से भगवान शिव को माल्यागिर चंदन और पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही पीले रंग का कपड़ा भी अर्पित करना चाहिए। इससे महादेव अति प्रसन्न होते हैं और जो है इन्हें गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। महादेव का अभिषेक इन्हें गाय के घी से करना चाहिए। इससे सुख शांति और आरोग्यता की
प्राप्ति होती है और महादेव प्रसन्न होते हैं। अब बात मकर राशि के लिए उपाय की। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर पूजा करने से शनिदेव और महादेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो मकर राशि के जातकों को शक्ति प्राप्त करने के लिए, भयमुक्त होने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को 108 बेलपत्र पर चंदन से राम राम लिख करके उन्हें अर्पित करना चाहिए और गंगा जल से उनका अभिषेक करना चाहिए। इससे सब कार्य सिद्ध होते हैं और समस्त रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाते हैं। अब बात कुंभ राशि के लिए उपाय की। कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं। इस राशि के लोगों को भी भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा आज के दिन प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। किसी भी नजदीकी शिव मंदिर में आपको जाकर के भगवान शिव पर बेर का फल चढ़ाना चाहिए और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपके समस्त कार्य पूर्ण होते हैं और विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब बात मीन राशि के जातकों के लिए उपाय की। तो मीन राशि के जातकों के लिए जिनके स्वामी बृहस्पति हैं, गुरु हैं, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गाय के दूध से उनका अभिषेक करना चाहिए और बादाम और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को लंबी आयु, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन का आशीर्वाद मिलता है और मीन राशि वाले जातकों को गाय के दूध से अभिषेक करने से उन्हें विपुल संपदा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी राशि के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव के अभिषेक का विधान। अपनी राशि के अनुसार इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करें और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करें। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में।